अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तनीना शेख। मुदई मुकदमा सहार बानो केस में मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जो कि सहार बानो के सगे भाई हैं। इनसे हम जानते हैं, क्या नाम है आपका पूरा? उमैर अली। उमैर अली, उमैर, आप लोग कितने बहन भाई हैं? तीन बहन भाई हैं, दो भाई हैं और एक बहन। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइए कि जब शादी हुई है तो तब से मामला ठीक थे या स्टार्टिंग से प्रॉब्लम्स थी? स्टार्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी ऐसा इशू नहीं था। जब से बच्चा जब पता लगा कि ये हुआ है, उसके बाद के मसले मसाइल शुरू हुए, तो इसी तरह मसला चलता रहा। पता नहीं फिर अजीब सी कैफियत थी उसकी, जैसे जैसे देखते जा रहे थे वैसे वैसे वो नीचे जाती जा रही थी, कमजोर हो रही थी, कमजोर होती जाती, बोलती कुछ नहीं थी, रोती रहती थी। अच्छा, भी अपने घर भी और यहाँ इधर भी रोती थी, उधर भी, जब भी फोन कभी कभी कभार रोते उसने फोन की, वो तंस करते थे, बहुत ज्यादा तंस करते, टॉर्चर करते थे। क्या करते थे, मतलब किस तरह का तंस? तंस इसी तरह का कि इसने खाना नहीं सही बनाया। अच्छा, रोटी कच्ची बनाई है। अच्छा, इसने कभी ये नहीं किया, ये कपड़े नहीं पहनती, ये बातें नहीं करती, ये बोलती कम। इंसान कम बोले इसका क्या मतलब है कि वो सही नहीं है? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इंसान कम बोलने, हर की अपनी आदत है, हर किसी की अपनी आदत है, फितरत इंसान की, कम बोलेगा उतने उसके गुनाह नहीं होंगे। हर इंसान की अपनी अपनी कैफियत है। हाँ, बस लोग कहते हैं कि हम बस जैसे हम हैं वैसे ही रहें। ठीक है, कि अब हम क्या कह सकते हैं इस पर, हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, किस तरह मारा है। बस मुझे फ़ोन आया लास्ट टाइम पे, तो मैं फौरी भाग के चले गए। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि जब पहुँचे वहाँ तो उन्होंने खुद ही हॉस्पिटल लेके आए हैं, खुद ही उन्होंने स्ट्रेचर पर रखा, खुद ही अंदर लेके, उन्होंने कोई 15 पे कॉल नहीं की, कुछ नहीं किया। जैसे पहुँचे उन्होंने कहा कि इसकी तो काफ़ी देर पहले डेथ हो गई। हॉस्पिटल वालों ने कहा? हॉस्पिटल वालों ने, हमारे पास सबूत है। अच्छा, बस उसकी रिपोर्ट है। अच्छा, पोस्टमार्टम वालों ने भी यही बताया कि इसकी डेथ हुई है, बाकी ये चीजें गला घोट के किया गया, ये फांसी फूंसी नहीं लगाई, गला दबाया, गला दबाया, रस्सी से दबाया हाथों से। अब ये तो पोस्टमार्टम वाले बताएंगे ना, तो हमें तो पता ही नहीं। अच्छा, जो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करने गए घर पे बकुए पे, उन्होंने कहा हमें सीधा सीधा कतल नजर आता, साफ अल्फाज में उन्होंने आके, जो मौके पर थे पुलिस वाले। अच्छा, उन्होंने ये बताया, कुएं पे चेक किया, उन्होंने यही बताया कि हमें कत्ल ही नजर आता। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसके घर पे इसके शौहर के अलावा और कौन कौन है? इसके माँ बाप है, 6 बहन भाई हैं वो। ठीक है, एक बहन की शादी हुई है, 2 एक भाई की शादी हुई है, बाकी शादी होने वाली सब। माँ बाप कहाँ थे जब सार बानों के साथ ये जुल्म हुआ? माँ बाप भी ही घर थे, माँ बाप का ही कसूर है ज्यादा। मुलविस है ये सारे? ये मुलविस है, सारे मुलविस है, क्योंकि माँ को ही हमने फोन किया था। अच्छा, पहले हम फोन सुबह से कर रहे थे। अच्छा, कब आना है? ठीक है, उसने दूसरे दिन आना था, तो मैं दूसरे दिन पहले जैसे आते हैं सब। दूसरे दिन आना था, दूसरे दिन बात हुई है, पहले सुबह रात को बात हो चुकी थी कि आना है सुबह, तो सुबह से 10:30 बजे फोन किया, वो कह रहे सोए होते थे अक्सर, तो 10:30 बजे किया, फिर 11:30 बजे किया, 12 बजे उसकी भाभी को भी किया, उसने भी नहीं उठाया, फिर 1:46 परेशान हुए होंगे, परेशान। हम यही कह रहे थे कि चलो तैयार हो क्या होगी, ऐसी कंडीशन तो कह ही नहीं सकते कि ये हाँ। ये भी कंडीशन आनी, ठीक है, तो बस यही कह रहे थे कि 1:46 में उसकी वालदा ने फोन उठाया, अम्मी ने ही बात की, तो उन्होंने कहा कि, अम्मी ने पूछा हाल चाल, उन्होंने कहा ठीक है, हमारा हाल उसका हमें नहीं पता। इसी तरह बात उसने की सास ने, ठीक है, उसका हमारा हमें नहीं पता कि वो तो अभी तक नीचे नहीं उतरी, ये है वो है, इस तरह की बातें की। उसके बाप के पीछे से बात जा रहे थे कि वो तो नवाब है जी, वो कहाँ से आएंगे, इस तरह बात की है, तो फोन काट दिए। बस इतनी सी बात होने के बाद फिर 2:13 पर आसिफ का फोन है। अच्छा, उसने चिपका के फांसी लगा ली, और उसके पीछे कोई आवाजें नहीं आई मुझे, बस मैं फोन काटा नहीं था, मैं ऐसे बाइक निकला हूँ, फौरी तौर पर भागा हूँ बहन के घर। हाँ, वहाँ अभी पहुंचा नहीं था मैं, मंगलपुरे पहुंचा हूँ, तो दोबारा मैंने खुद कॉल की, तो वो कहते शालीमार आज हॉस्पिटल। हाँ जी, हॉस्पिटल आ जाओ, शालीमार हॉस्पिटल गया हूँ, तो वो भी आ गई पीछे, मैं भी आ गई, दोनों इकट्ठे पहुंचे, वो गाड़ी से उन्होंने 2 भाई और बाप और माँ उतरे, उन्होंने खुद ही उठा के रखा है, खुद ही वो लंदन लेके गई, खुद ही, यानी आप जब पहुंचे हो आपके होते होते ये भी पहुंचे, सब कुछ इकट्ठे हुए, इकट्ठे पहुंचे। अच्छा, ठीक है, वो अंदर भी इकट्ठे लेके गए हम, ठीक है, इमरजेंसी में साथ गए, उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा काफी देर पहले डेथ हो चुकी है, अगर आप कहते शॉक लगाना तो हम लगा, शॉक लगाया, झटके 3 शॉट किए, झटके देंगे, 3 शॉट किए हैं, तीनों शॉट में कोई सांस नहीं। उसके बाद वो डॉक्टर ने यही बताया कि गला घोटा है, ये फांसी का हमें निशान नहीं नजर आ, निशानात वगैरह थे गले पे, निशान थे,
उंगलियों के रस्सी के भी थे, मुंह पर नींद के निशान थे, तब तो हमें समझ कुछ नहीं थी, तभी तो ऐसा सोचा नहीं, हमारी इतनी एज नहीं है कि हम इस चीज को सोचे, ऐसा वास्ता नहीं पड़ा होगा ना। तो जब वो लोगों ने बताया कि इसका पोस्टमार्टम करा फिर पता लगेगा, तो पोस्टमार्टम वाले ने यही बताया कि इसको गला घोटा के हमें जो नजर आते हैं, बाकी उन्होंने बताया नींद के निशान है, फोंचे हैं, बाजू पर निशान है, नाक पर निशान है, मारा हुआ है। अब बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है, हम तो इंसाफ चाहते। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कितने पैसों का मुतालबा था इसका? पैसों का मुतालबा बस हमें नहीं पता था कि इस तरह के मामलात में करते हैं, बस वो आगे कहते थे कि मुझे तंग करते हैं, मैं अब नहीं जाना। क्या कहते हैं? पैसे लेकर आओ, ये तो दुकान गिरवी लेनी है, उसकी वजह से हमने करना है, तो इस वजह से बस मामला तो उसमें चल रहे थे, तो हमें नहीं अंदाजा था कि ये इस कंडीशन तक जान। ठीक है, वो बताते नहीं थे कुछ। हाँ। मेरे कजन जिसने करवाया उसे पता था सारा कुछ। अच्छा, बाकी हमें नहीं बताते थे, तो वो उसका था रिलेशन काम का। तो कजन भी नहीं बताता था? कजन ये इसलिए नहीं बताता था, मेरे अब्बू की एंडोस्कोपी का मामला था, और मेरी वालदा भी आपके सामने ये भी बता रहे, इनको भी शुगर का मसला है। अभी अब्बू की तबीयत कैसी है? अब काफी बेहतर है, लेकिन वो ऐसा कंडीशन में नहीं है कि वो बात किसी से करने से करके, उनको एंडोस्कोपी के उनको वेन फट गई थी, उनको 3 माह हो गए हैं कि वो हम उनका इलाज करवा रहे हैं। ये करता क्या था आपका बहनोई? ये बर्तनों का काम करता। दुकान है। किराए की। उसको उन्होंने गिरवी करना था। पहले भी कभी पैसे दिए थे आपने कारोबार के लिए अपनी बहन को? कंडीशन के पैसे नहीं, हमने बाकी हर जिंदगी की जो सहूलत है, हर किस्म की चीजें, हर चीज दी थी उसकी खुशी के मुताबिक। जैसे उस वो घर में रहता ही नहीं था, माँ बाप घर में रहते थे, माँ बाप टॉर्चर करते रहते थे, वो पूरा दिन दुकान पर आना है, आधा घंटा बैठना है, और उसके बाद फिर निकल जाना 12-2 बजे घर आने। बीवी को टाइम देना ही नहीं, बीवी को उसने कभी टाइम नहीं दिया, बस आना है और सुबह सो जाना, फिर 12 बजे उठना, फिर दुकान पर चले जाना। वो उसका काम यही था, उसने खाना भी बाहर से खाना। अच्छा, बीवी के साथ उसने बस आधा घंटा भी नहीं बैठना, आके सो जाना। अब एक बाले जुर्म किया इसने कि मैंने फंदा दिया कि मेरे माँ बाप ने दिया? अभी तक इसने जुर्म नहीं कबूल किया। क्या कहता है? वो कहता है मेरा कोई कसूर, फोन उसने किया, वो कहता मैं वो नहीं था घर। हाँ। तो जब फोन पहला उसका आया तो क्यों नहीं करता, सारा पता था उसको, तो फिर हर चीज का पता, ये तो लोग बेवकूफ बना रहे। तो आपने अभी अपनी बहन का जेवर जहेज सामान सब कुछ ले दिया है कि उधर कुछ भी नहीं लिया? हमें क्या करना है, हमें किस चीज की, हमें अपने बहन के इंसाफ की जरूरत, वो उसके सामान का हम क्या करें, हमने अचार डालना उसको, हम जब भी आएगा भी तो हमने किसी गरीब को दे, किसी की जिसकी शादी होगी जो हमारी नजर में अच्छा लगेगा हम उसे दें। जब शादी की थी तो साहर बानो एग्री थी इस शादी के लिए? 1 साल एंगेज रही है, हर चीज हमने पूछी है, कोई ऐसा हमने लड़के को देखा था, सारी जजमेंट हुई है। 3.5 साल मेरे कजन के साथ उन्होंने काम किया, अच्छे कंडीशन में काम किया, कोई ऐसा इशू नहीं था। हाँ। कोई किसी भी किस्म की हमें बात बताई नहीं कि कुछ है। 1.5 साल शादी को गुजरे, जब भी बच्चा पैदा होते साथ ही फोत हो, उसके बाद के ये मामला शुरू हुए सारा, यहाँ भी हम 2 महीने पहले भी रखे हैं और 1.5 माह बाद में भी रखा है, 6 लाख पूरा करवा के फिर बेचे। अब आपका क्या मुतालिबा है? हमें ये इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, हमें जिससे भी मिले इंसाफ मिले बस। वज़ीरे आला आए हमारे पास, वो इंसाफ दे सकते हैं, वो करें, DIG कर सकते। कोई हुकूमती नुमाइंदा आया आपके पास? जी मलिक वाइद साहब आए हैं बस हमारे पास इस टाइम, MPA जो यहाँ के मुतलका MP हैं वो बस हमारे पास आए। जी वहीद गुल, मलिक वाइद साहब। अच्छा, बस उसके अलावा कोई नहीं हमारे पास हो, बाकी पुलिस अच्छा कोऑपरेट कर रही है, ऐसा कोई शक नहीं कि वो कोऑपरेट नहीं कर, आज भी वो इन्वेस्टिगेट करके गई और अच्छा रिस्पॉन्स देके गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पुलिस अच्छा इन्वेस्टिगेट कर रही है, मुलजिम को पकड़ लिया गया है, माँ का, भाई का, घर वालों का एक ही मुतालबा है कि हमें इंसाफ चाहिए। वो बेटी जिसको बड़े नाजों के साथ पाला, पोसा, सजाया, सवारा, अच्छी तरबियत की, अच्छी तालीम दी, अच्छा जहेज दिया, शर्म हया सिखाई, घर वालों ने शादी की, ठीक 1.5 साल के बाद उसकी लाश घर आ गई। आखिर ऐसा क्या गुनाह था कि उसको इतनी बेदर्दी के साथ मार दिया गया? इंसाफ के मुंतजर हैं। थैंक यू वेरी मच।